तो गाइस हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और हमारी ट्रेन है 5:30 बजे। तो सारी पैकिंग हमने जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो डाल ली हैं, खाने की चीज़ें भी काफ़ी कुछ डाल ली हैं। अब पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो मुझे पता नहीं है क्या रखना है और क्या नहीं, जो भी था मैंने डाल लिया है। अब एयरपोर्ट पे देखें क्या सीन है। हमारी फ़्लाइट संडे को सुबह 9 बजे है। आज हमारी ट्रेन है जम्मू से दिल्ली की, जो कि न्यू दिल्ली स्पेशल ट्रेन चल रही है, कोई वो हो गई है। आजकल ट्रेनें मिलती नहीं यार, क्या करें। तो फ़िलहाल सब कुछ हो चुका है और अब बाकी थोड़ी मोटी प्रिपरेशन करते हैं, और जब हम स्टेशन पे जाने लगेंगे तब आपको मिलेंगे गाड़ी में। तो तब तक के लिए बने रहो। और इस सीरीज़ में जो हम इंडिया से बाली जाने वाले हैं, फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, मेरे लिए एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी शेयर करूँगा, और बुकिंग वगैरह जो मैंने की है वो मैं आपको एग्जैक्ट एयरपोर्ट पे जाके समझाऊंगा जब बीच में टाइम लगेगा। तो बने रहो, पूरी वीडियो देखना। उसके लिए बाली की लड़की ले जाएंगे। आपका हो चुका। उसके लिए ऑस्ट्रेलियन लाएंगे हम। दिल्ली मेट्रो पहुंच चुके हैं। पहली बार एक्सपीरियंस होगा आपका। मोटू का पहली बार मेरा। हाँ, ये मैडम हमें लेकर आई है क्योंकि ये पहले आ चुकी है। बाली का पूरा रास्ता हमें पता है, इसे नहीं पता है। तो फिलहाल हम इसके सहारे हैं दिल्ली से बाली तक, सिंगापुर तक। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और अपना एयरपोर्ट के पास रूम भी ले लिया। तो रूम कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा मिल गया। और अरे अच्छा नहीं है यार, मेरे अरे यार ये हमारी मोहतरमा। तो कल सुबह 6 बजे का चेकआउट होगा। तो अभी फ़िलहाल लाइट बहुत फ्लिकर कर रही है यहाँ पे। हम दिल्ली में ज़्यादा ब्लॉग नहीं करने वाले हैं, कुछ बस इंट्रो ही रहेगा। कल सुबह T3 पे से फ़्लाइट है हमारी 9 बजे, तो सुबह 6 बजे हमें यहाँ से निकलना है ताकि हम वहाँ पहुँच पाए T3 पे। तो चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद दिल्ली थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे यार, टाइम लगा तो, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। सो गाइस हम अपने रूम पर थे और हम ये सोच रहे थे कि हम ई वीज़ा पहले ही अप्लाई कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पे लाइन हो। तो रात को 12 बजे काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर 12 बजे लैंड कर रहे हैं 1-2 बज जाएगा एक्स्ट्रा, 1 घंटा लग जाएगा। तो उससे बेटर हम ई वीज़ा अभी अप्लाई कर ले। तो अभी वेबसाइट में यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ से आप लोग भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। 2500 से 2700 के बीच में आपके लगेंगे, तो आप ऑनलाइन पे कर दो बेटर रहेगा। वहाँ पर जाके आपको कन्वर्ट करना, ये वो क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, इससे बेटर आप यहीं से ई वीज़ा अप्लाई करो, सीधे इमिग्रेशन पे जाना और जल्दी हो जाएगा। फ़िलहाल अपना रूम बहुत ही बढ़िया मिल गया, तो सुबह काफ़ी दिक्कत हो गई थी। से बढ़िया मिल गया, प्लीज़ मुझे क्रेडिट दे। हाँ, मैडम ने एक अच्छा रूम ढूंढ लिया। हमने जो बुक किया था वो बहुत बेकार था, दिखा रहा कुछ और था अगोडा पे और निकला कुछ और। तो हमने उसके वैसे भी पैसे नहीं दिए थे, ऑन अराइवल ही था सब कुछ, तो हमने कैंसिल कर दिया वहाँ पर जाकर और यहाँ पे आ गए। इस होटल का नाम है ZED जेड होटल करके है, ये बिल्कुल एरो सिटी में ही है, मतलब मेट्रो स्टेशन से कुछ 4-5 मिनट दूर, और यहीं से T3 भी 10 मिनट दूर है। तो बहुत ही बढ़िया रूम है। अभी मैं यही कर रहा हूँ बस, सारा पासपोर्ट वगैरह अपना खोल के बैठे हैं और सारा ई वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो सुबह की प्रिपरेशन हम करने वाले हैं, यहाँ पे बैग्स वगैरह पड़े हैं इनको सब कर लेंगे। तो उसके बाद हम सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट सुबह देखना पड़ेगा क्या करेंगे, बाहर अगर होगा कुछ तो कर लेंगे, या तो फ्रूट्स खा लेंगे, या तो फ्रूट्स खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। ब्रेकफास्ट ऐसे मिलेगा फ़्लाइट में, पर फिर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, उससे पहले हम कुछ खा लेंगे। वेब चेक इन हमने कर दिया था, हमारी फ़्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस की। और वहाँ पर यार हम पहुँच तो गए थे एयरपोर्ट, बट बहुत रश था,
पर फिर भी सब चीज़ें कंप्लीट हमने कर ली थी और अपने बोर्डिंग पास हमारे पास आ चुके थे। तो अपना चेक इन बोर्डिंग सब हो चुका है और हम जा रहे हैं 19 गेट पे, क्योंकि हमारी फ्लाइट वहाँ पर है 9 बजे। अभी टाइम क्या हो गया भाई? 7:41। हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए, क्योंकि पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था। और मैंने सारी अपनी फ़्लाइट्स की टिकट बुक पहले कर ली थी, सीट भी पहले से बुक थी और सारी हमारी विंडो सीट थी, और मैडम को हमने विंडो सीट दे दी थी क्योंकि हमें तो साइड पे बैठना पड़ेगा। इट्स ऑब्वियस यार, तुम्हें समझना चाहिए। बाकी सिंगापुर एयरलाइंस काफ़ी अच्छी फ़्लाइट लगी मुझे, क्योंकि लेग स्पेस काफ़ी अच्छा था और खाना बहुत बढ़िया मिला। हम दोनों ने इंडियन ऑर्डर किया था फर्स्ट डे, और खाना खाकर हम बस रिलैक्स कर रहे थे। और सिंगापुर एयरपोर्ट पर हमने ली अपनी स्काई ट्रेन, क्योंकि हमें जाना था टर्मिनल 3 पर, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा स्काई ट्रेन को लेकर। और मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार ये एयरपोर्ट, क्योंकि काफ़ी लंबा एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपके पास आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप है, तो इट्स वेरी टफ टू शिफ्ट फ्रॉम 1 टर्मिनल टू 2 टर्मिनल। तो स्काई ट्रेन बेस्ट रहती है, स्काई ट्रेन लो और सिंगापुर के थोड़े बहुत नज़ारे लेते जाओ। तो एक स्काई ट्रेन से हम दूसरी स्काई ट्रेन में जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री ऑफ चार्ज होती है, लाइक अगर आप एयरपोर्ट पर, तो ये इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो पहुंच चुके हैं भाई, अभी सीन ये हो गया है, हमें टाइम पता नहीं था, तो अभी हम पता करके आए हैं। 2020 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे, तो हम डिसाइड किया अभी घूम लेते हैं। हमें लगा कि शायद लेट ना हो जाए, तो अभी घूम लेते हैं। और जुअल देखना, मैडम ने अपना मेकअप ले लिया और बैग भी ये पसंद कर रही थी, जो 2-2 लाख रुपए के थे, तो हमने इसको वहाँ से भगा दिया। अब हम जा रहे हैं कुछ देखने और कुछ खाने। काफ़ी जगह हम घूमे और काफ़ी चीज़ें देखी, लाइक रामन वगैरह काफ़ी चीज़ें थी, इंडियन भी था, बट वो सब देख कर कुछ खाने को मन भी नहीं किया। और क्योंकि वहाँ पे ना अजीब सी एक स्मेल आ रही थी, सी फूड टाइप, पता नहीं कैसी अजीब सी स्मेल थी, उसने बिल्कुल मूड ख़राब कर दिया। और कुछ ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो हमने ऑर्डर किया बर्गर, फ्राइज़ और एक चिकन विंग था, तो ऑलमोस्ट सेम था सब, नॉर्मल ही था, मतलब इतना बढ़िया भी नहीं लगा मुझे, मतलब इंडियन टेस्ट बट थोड़ा अलग है यार, काफ़ी सिंपल सा बर्गर था। सेम है, बस यहाँ के लोग सॉस नहीं खाते, खाते होंगे पर मुझे नहीं पता। हमने ऑर्डर किया था एक चिकन बर्गर, 2 विंग्स और एक आइस टी, विच कॉस्ट अराउंड 700। थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, बाकी सेम ही है ना, थोड़ा सा महंगा है ना, 500 का आता। चलो अभी खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, शायद एक चीज़ और खा लेंगे कोई। और मन तो हो रहा है कि रामन खाए, पर स्मेल इतनी गंदी है ना, मेरे से बियर नहीं करे जा रही, वो सी फूड जैसी स्मेल है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। सिंगापुर एयरपोर्ट में सबसे बढ़िया चीज़ है जुअल, एक्चुअली में वो एक एक्सटर्नल बिल्डिंग है, मतलब एयरपोर्ट में नहीं है पर एयरपोर्ट से बाहर है, लेकिन एक स्काई ट्रेन जो है वो जुअल के बीच में से होते जाती है। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ देखने वाली है वहाँ का जो वाटरफॉल टाइप सा है जो बना रखा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द बिल्डिंग से वो फॉल करता है, और वो चीज़ देखने के लिए मैं स्पेशली ये ट्रेन लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो हमने सोचा चलो देखते जाते हैं। जा रहे हैं T3 के लिए जो ट्रेन है उसमें दिखता है, तो वही देख रहे हैं। T3 स्लो हो जाएगी ट्रेन अभी वहाँ पे ना, जब जुअल आएगा स्लो चलेगी। Oh, yeah.
स्पेशली आए हैं हम T3 की ट्रेन ही से ले तो नहीं जा रही इवनिंग फ्लाइट्स का यही फायदा है मॉर्निंग में ये नहीं चल रहा होता मॉर्निंग में बंद होता ना इसमें नहीं जा सकता जो एक इनका लाइक सेपरेट पार्ट है तो अभी हम हैं T3 पे और बटरफ्लाई गार्डन देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे किड जोन है शायद तो हुआ यूँ कि बटरफ्लाई गार्डन बंद था बंद भी नहीं था लाइक लाइट नहीं थी क्योंकि वो नेचुरल लाइट से ही दिखता है तो हमारी दूसरी फ्लाइट का टाइम हो चुका था और हम अपने सेकंड फ्लाइट ले जा रहे थे टेकिंग फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर टू बाली नाउ तो नेक्स्ट फ्लाइट भी हमारी सिंगापुर एयरलाइन से ही थी जिसमें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस हमें मिल गया एयरक्राफ्ट थोड़ा सा छोटा था पिछले एयरक्राफ्ट से लेकिन काफ़ी बढ़िया था सेम फैसिलिटीज़ थी ऑलमोस्ट और इसी के साथ डिनर आ चुका था जो कि था इंडियन विदू के लिए जिसमें पराठा मिला था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था बट राइस पनीर और बीन्स की सब्ज़ी जो थी बहुत अच्छी थी खाने में इट वॉज़ वेरी लाइट लेकिन अच्छा था ट्रैवल के लिए अच्छा फूड था साथ में रसमलाई भी दी गई थी मैंने मंगाया था सिंगापुरियन मील जिसमें मुझे मिला था प्रॉन विद फ्राइड राइस एंड बन विद बटर और एक आइसक्रीम मिली थी जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे और साथ में मैंने एप्पल जूस ऑर्डर कर रखा था तो हम लैंड हो चुके हैं बाली में एंड यहाँ पे डॉकिंग आइटम ली हुई है बिकॉज लाइन काफ़ी लंबी है बट चलो लैंड हो चुके हैं बाकी बाहर जाके बातें करते हैं और पूरा स्टेटस अपडेट देते हैं सो गाइज हम फाइनली बाली में लैंड कर चुके हैं और अपने रूम में आ गए जो कि है ग्रैंड बारुंग कोटा में और मैं तुम्हें रूम का टूर दे देता हूँ एक छोटा सा बाकी चीज़ें तो सुबह बताऊँगा तो एंटर यहीं से एंटर करते ये वॉशरूम है दिस इज़ एक छोटा सा सिंक दिस इज़ द क्लू और एक शावर है और यूटिलिटीज़ भी दी गई हैं मिरर है टीवी है ये एक पागल इंसान चुड़ैल सी यहाँ पे बैठी है और देखिए हमें बेड दिया गया है एंड व्हाट इज़ द व्यू आउटसाइड वो मुझे भी नहीं पता पासवर्ड भी है एंड कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए भी चीज़ें अच्छा है तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे ये था हमारा सफ़र इंडिया से लेके बाली तक का आई होप मैंने सारी चीज़ें बताई हो काफ़ी कोशिश की जितना शूट कर सकते थे हमने किया तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो यू कैन कमेंट डाउन चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और पैसा बरसा दो गाइस हम मिलते हैं कल सुबह कल का प्लान अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि बहुत थक चुके हैं मे बी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे और फिर दिखाएंगे ग्रैंड बारुंग रिजॉर्ट बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है और ये सब मैंने अगोडा से बुक किया पूरा ट्रिप जो मैं किया है वो खुद ही बुक किया कोई एजेंसी वगैरह कुछ नहीं है तो आई होप मैं आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से बता पाऊँ इस ट्रिप के बारे में और आप भी अच्छे से बुक कर पाओ तो चलते हैं मिलते हैं कल